नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रमों में हमने तुला लग्न के लिए प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक बुध के फलित को समझा है। बुध कैसे फल देते हैं इसके पीछे के तर्क को, लॉजिक को समझा है। इस कार्यक्रम में हम सप्तम भाव और अष्टम भाव के लिए बुध क्या फलित देंगे तुला लग्न के लिए, इसको समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सप्तम भाव से। हमने देखा ही है कि ग्रह का अगर फलित देखना है, समझना है, तो उसको सब एंगल से देखना है। यानी पहले तो कारकत्व से देखना है, उसके बाद भावस्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से, और सबसे बाद दृष्टियोग से देखना होता है। तो पहले हम कारकत्व से जानते हैं बुध क्या फलित उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे तुला लग्न के लिए सप्तम भाव में एक आंकड़ा आता है, एक आंकड़ा यानी मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल के बुध के साथ समत्व के संबंध है, ना शत्रु है ना मित्र है, और बुध आकर बैठ गए हैं मंगल की राशि में। इस कारण बुध को मध्यम राशि बल प्राप्त है। भाव बल का अगर विचार करें तो बुध को यहाँ पर सप्तम भाव में, सप्तम भाव केंद्र भाव होने के कारण भाव बल अच्छा है। अब भाव बल अच्छा है, राशि बल मध्यम है, इस कारण इनके कारकत्व से जो फलित प्राप्त होंगे ये मध्यम फलित प्राप्त होंगे। यानी बुद्धि के मामले में, वाणी के मामले में, वाणिज्य, व्यापार, गणित, तर्क, लेखन, अभिव्यक्ति, इन सभी मामलों में मध्यम फलित प्राप्त होंगे। अब ये तो जान लिया कारकत्व से क्या मिलने वाला है, भावस्थिति से क्या मिलेगा जान लेते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, सबसे पहले राशि देखना जरूरी है। यहाँ पे एक आंकड़ा है मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल है, इस कारण सप्तम भाव के स्वामी मंगल हुए। अब मंगल सप्तम भाव के स्वामी है और बुध सप्तम भाव में आकर बैठ गए। मंगल और बुध में समत्व के संबंध है, ना शत्रु है ना मित्र है, इस कारण इस भाव के लिए बुध मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे। यानी विवाह सौख्य देखा जाता है सप्तम भाव से, तो वैवाहिक सौख्य इसे मध्यम प्राप्त होगा। बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत तनावपूर्ण भी नहीं, ऐसे वैवाहिक सौख्य की इस जातक को प्राप्ति होगी, ये बात प्रथम दर्शन में पता चल रही है। अब और क्या बातें पता चल रही है, तो यहां से वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव देखा जाता है। उस स्थान में बुध आकर बैठ गए तो इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में बुध के तत्व पाए जाएंगे। यानी इसका वैवाहिक जोड़ीदार बुद्धिमान रहेगा, उसकी वाणी अच्छी रहेगी, ये बातें पता चल रही है। यहाँ पे एक आंकड़ा होने के कारण इसके वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह है। इस कारण इसके स्वभाव में थोड़ी उग्रता पाई जाएगी, क्रोध पाया जाएगा, ये बात पता चल रही है। अब ये तो जान लिया भावस्थिति से, भावेशत्व से क्या पता चलता है। तुला लग्न के लिए बुध की जो दो राशियां है, एक तो मिथुन और दूसरी कन्या, वो मिथुन राशि नवम भाव में आती है और दूसरी कन्या राशि द्वादश भाव में आती है। इस कारण ये नवम स्थान के तथा द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब नवम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आगे क्या फलित देंगे, जोड़ना मात्र है। जो नवम भाव से जीत गई देखा जाता है उसको सप्तम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ देना है। यानी नवम भाव से भाग्य देखते हैं, सप्तम भाव से विवाह सौख्य। तो इसका जो भाग्य है, विवाह के पश्चात भाग्योदय, ये बात है, या भाग्य से अच्छा वैवाहिक सौख्य, दोनों तर्क सही है। यहां से वैवाहिक जोड़ीदार देखा जाता है और यह भाग्य का स्वामी स्थान में आ गया, तथा नवम भाव को अगर आप प्रथम मान के गिने तो यह ग्यारहवां आता है, और एकादश भाव से लाभ देखा जाता है। तो भाग्य स्थान का स्वामी उसके लाभ स्थान में, और वो प्रथम भाव का विवाह स्थान है। इस कारण इस व्यक्ति को इसके वैवाहिक जोड़ीदार से लाभ प्राप्त होंगे, जिस कारण इसका भाग्योदय होगा, ये बात पता चल रही है। अब ये तो नवम भाव जो है, यहाँ से सामाजिक दर्जा भी देखा जाता है, उसका स्वामी उसके लाभ में चला गया तथा प्रथम भाव यानी लग्न से केंद्र में है, इस कारण इसका सामाजिक दर्जा अच्छा होगा, भाग्य से मिलने वाला सामाजिक दर्जा अच्छा होगा, ये बात पता चल रही है। तथा यहाँ से धार्मिकता देखी जाती है, उसका भाव स्वामी भी केंद्र स्थान में है। धार्मिकता का स्वामी वैवाहिक जोड़ीदार के स्थान पर है, इस कारण इसका वैवाहिक जोड़ीदार जो है ये धार्मिक रहेगा, ये बात पता चल रही है। तथा इसके स्वभाव में भी धार्मिकता रहेगी, क्योंकि वो बुध है और उसकी दृष्टि प्रथम भाव पर है। दृष्टियोग की तरफ हम जाएंगे, लेकिन इस भाव से क्या पता चलता है, उसमें भी ये पता चल रहा है कि इसका वैवाहिक जुड़दार और ये स्वयं धार्मिक रहेंगे। अब ये तो पता चला नवम भाव से ही। अब द्वादश भाव के स्वामी भी है बुध। द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में आगे क्या फलित देंगे, द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है, सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य, तो वैवाहिक सौख्य का व्यय। अब हमने एक फलित देखा नवम भाव का, नवम भाव से सप्तम भाव से जोड़ लगाई तो भाग्य से विवाह होगा और विवाह से भाग्योदय होगा, दोनों तर्क है। अब व्यय के स्वामी सप्तम में गए तो वैवाहिक सौख्य का व्यय दिख रहा है, यानी इसका जो विवाह है ये देरी से हो सकता है, तथा वैवाहिक सौख्य की जो लॉन्गेटिविटी है वो कम रहेगी, इसको आयु के मध्य तक वैवाहिक सौख्य प्राप्त होगा, ये बात पता चल रही है। उसके बाद व्यय दिख रहा है, क्योंकि व्यय का स्वामी उसमें है तो वैवाहिक सौख्य में कमी जरूर ला देगा, यह भी बात सही है और यह भी बात सही है।
भाग्य से विवाह तो होगा लेकिन व्यय है, इस कारण देरी से होगा और जल्दी खत्म होगा, ये बात पता चल रही है। यहां से और क्या देखते हैं, मोक्ष देखते हैं। इसका स्वामी सप्तम भाव में वो बुध है, बुध भक्ति का कारक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, धार्मिक होंगे ये तो हमने देख ही लिया है, इसका वैवाहिक जोड़ीदार धार्मिक होगा, इसी तरफ ये योग इंगित कर रहा है। अगर आप द्वादश भाव को प्रथम मानकर गिने तो सप्तम भाव जो है ये आठवां आता है, आठवें भाव से मृत्यु देखते हैं, तो व्यय की मृत्यु और वो प्रथम भाव का सप्तम है, यानी प्रथम भाव का वैवाहिक जोड़ीदार का स्वामी है, यानी खुद का वैवाहिक जोड़ीदार है और वो व्यय की मृत्यु करा रहा है, खर्चा कम कर रहा है, यानी इस व्यक्ति को वैवाहिक जोड़ीदार से आय प्राप्त होगी। ये तो भाग्य स्थान से भी हमने देख लिया कि इसको पैसा मिलेगा इसके बाद वैवाहिक जोड़ीदार से, वो योग यहां से भी हमें पता चल रहा है कि इसकी व्यय की मृत्यु करा दी, यानी इसकी सेविंग अच्छी करा दी, ये बात पता चल रही है। और क्या बातें पता चल रही है, अब ये तो जान लिया भावेशत्व से, यानी द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम में आ गए, क्या फल देंगे। अब दृष्टि योग से जानते हैं, बुध सप्तम भाव में बैठे हैं और पूर्ण दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में बुध की छटा पाई जाएगी, यानी व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा। यहाँ पे राशि कर देखिए आप तो शुक्र की राशि है, तुला राशि, और शुक्र और बुध में मित्रत्व है, इस कारण स्थान के लिए शुभ फलित देंगे, तो ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बुध के कारकत्व में वाणी भी आती है, तो ये थोड़ा बातों नहीं रहेगा, इसकी बातों में बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बोलेगा, तर्कपूर्ण बातें बोलेगा, ये बात पता चलती है। यहाँ पे तुला राशि है, इस कारण ये राशि का अमल भी इसके स्वभाव पर रहेगा, यानी ये जो व्यक्ति है ये समत्व में रहेगा, सुख दुख में सम रहेगा, तथा शुक्र की राशि होने के कारण इसके व्यक्तिमत्व में आकर्षण रहेगा, ये सारी बातें आ जाती है। और क्या बातें पता चलती है, सप्तम भाव से वैवाहिक जोड़ी वैवाहिक सुख देखा जाता है, स्थान में बुध है, बुध नपुंसक ग्रह है, तो ये जो व्यक्ति है ये वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ा उदासीन रहेगा, ये बात पता चलती है। अब ये जो सारी बातें हैं ये हमने कारकत्व भाव सिद्धि भावेशत्व और दृष्टियों से जान ही ली है। अब आगे चलते हैं अष्टम भाव की ओर, अगर अष्टम भाव में बुध आ गए तो क्या फलित देंगे, पहले कारकत्व से देखना है। कारकत्व से देखने के लिए ग्रह का बल देखना जरूरी है, बल दो विभागों में भागा गया है, पहला तो राशि बल, दूसरा भाव बल, तो दोनों बल देख लेते हैं। यहाँ पे बुध दो आंकड़ा है, यहाँ पे यानी वृषभ राशि है, बुध वृषभ राशि में है, वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, शुक्र और बुध में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध मित्र की राशि में है, मित्र की राशि में होने के कारण बुध को राशि बल अच्छा प्राप्त है। भाव बल का अगर विचार करें तो ये अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है, ये घात स्थान है, इस कारण बुध को भाव बल नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है अष्टम भाव में बुध को बल प्राप्त होता है, लेकिन वो दिग्बली तो प्रथम भाव में होते हैं, अष्टम भाव में ये घात स्थान है, षष्ठ अष्टम द्वादश, तो यहां पर भाव बल नहीं है। राशि बल की अगर विचार करें तो राशि बल है, क्या होगा इनके कारकत्व में कमी आ जाएगी, यानी मध्यम फलित प्राप्त होंगे, बुद्धि वाणी वाणिज्य लेन देन व्यापार गणित तर्क लेखन अभिव्यक्ति की कला इन सब में कमी आ जाएगी, मध्यम फलित प्राप्त होंगे। ये तो जान लिया कारकत्व से क्या देंगे, अब भाव स्थिति से क्या देंगे देखा जाए तो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में भाव स्थिति से देखने के लिए राशि देखिए, पहले वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, इस कारण अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हुए और बुध आकर बैठे हैं शुक्र के घर में, शुक्र और बुध में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध मित्र के घर में है। अब मित्र के घर में होने के कारण बुध शुभ फलित देंगे, ये जान लिया क्या देंगे, अब क्या क्या देंगे, कैसे फलित देंगे ये जान लिया, अब क्या देंगे ये जानते हैं। अष्टम भाव से मृत्यु देखे जाते हैं, मृत्यु देखा जाता है और बुध वहां पे आके बैठ गए, तो इस व्यक्ति की जो मृत्यु है इसके लिए शुभ फलित दे दिया बुध ने, तो क्या दिया, इस व्यक्ति की आयु लंबी होगी, ये बात यहां से पता चलती है। यहां से गुप्त धन वगैरह देखा जाता है और यहां पे बुध है, गुप्त धन में लावारिस संपत्ति, वसीयत से मिलने वाला धन, रिश्वत से मिलने वाला धन, काला धन तथा कमीशन एजेंट को कमीशन द्वारा मिलने वाला धन, दलाली से मिलने वाला धन, ये सभी गुप्त धन में ही आता है। बुध यहाँ पे है तो इस व्यक्ति और शुभ फल दे रहे, इस कारण इस व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी वसीयत से पैसा मिलेगा या कमीशन द्वारा या दलाली द्वारा पैसा मिलेगा, ये बात पता चल रही है। यहां से गुप्त विद्याएं देखी जाती है और बुध ज्योतिष का कारक है, इस कारण ये जो व्यक्ति है ये गुप्त विद्याओं में रुचि रखेगा, बुध शुभ फलित दे रहा है इस कारण ये इनमें ज्ञान भी प्राप्त करेगा, यानी ये ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करेगा, ये यहां से पता चल रहा है। और क्या बातें पता चलती है, तो ये भाव स्थिति से ही हमने ये सब बातें जान ली, अब भावेशत्व से जानते हैं, पहले तो कारकत्व से जाना फिर भाव स्थिति से जाना है, अब भावेशत्व से जानते हैं। बुध की जो एक राशि है नवम भाव में आती है, ये नवमेश है और नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम में आ गए, क्या फलित देंगे जोड़ दो, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, अष्टम से मृत्यु, भाग्य की मृत्यु, तो ये व्यक्ति भाग्यहीन दिख रही है।
उसकी पुष्टि करने के लिए नवम भाव को प्रथम मानकर गिने। नवम भाव को आप प्रथम मानकर गिनोगे तो ये जो अष्टम भाव है ये नवम भाव का द्वादश भाव आता है, यानी द्वादश भाव से व्यय देखते हैं। व्यय किसकी? नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, तो भाग्य की। और प्रथम भाव का अष्टम होने के कारण भाग्य की मृत्यु, और यहां से भाग्य की व्यय, यानी ये व्यक्ति भाग्यहीन होगी कुल मिलाकर, ये बात पता चलती है। अगर आप यहां से देखोगे धार्मिकता देखी जाती है, धार्मिकता का स्वामी अष्टम स्थान में, अष्टम स्थान हालांकि गुप्त विद्याओं का स्थान है, गुप्त विद्याओं के बारे में ये अच्छे फलित देगा, लेकिन धार्मिकता का स्वामी उसके व्यय में और प्रथम के अष्टम में होने के कारण ये व्यक्ति दाम्भिक सा रहेगा, ये बात पता चलती है। धार्मिक की जगह थोड़ा दाम्भिक रहेगा। और क्या बात पता चलती है? भाग्य से मिलने वाला सामाजिक दर्जा भी नवम भाव से देखा जाता है, उसका स्वामी अष्टम में गया तो ये जो व्यक्ति है इसका सामाजिक दर्जा कम रहेगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया नवम भाव के स्वामी होके अष्टम में गए तो क्या फलित देंगे, अब द्वादश भाव के स्वामी होके अष्टम में चले गए क्या फलित उत्पन्न होगा? द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है और अष्टम भाव से मृत्यु जोड़ दो, व्यय की मृत्यु। ये कुछ हद तक विपरीत राजयोग जैसा है, क्योंकि व्यय की मृत्यु यानी इस व्यक्ति को अपना कुछ खर्चा ही नहीं है, इसके खर्चे सब अपने आप होते हैं या कोई कर देता है, इस कारण इसकी सेविंग अच्छी होती है, तो इसकी व्यय की मृत्यु हो गई। या उल्टा भी है, मृत्यु को व्यय लग गया इस कारण दीर्घायु हो गए, ये बात पता चलती है। तथा यहां से और क्या क्या देखा जाता है? मोक्ष देखा जाता है, और मोक्ष के स्वामी अष्टम में मोक्ष की मृत्यु, ये भी बात जस्ती नहीं है, तर्क को आती नहीं, तर्क में आती नहीं है। तो क्या बात पता चलती है? बुद्ध स्वयं भक्ति के कारक है, यहां से गुप्त विद्याएं वगैरह देखी जाती है, तो ये व्यक्ति धार्मिक रहेगा, गुप्त विद्याओं में रुचि रखेगा, यहां तक ये बात पता चलती है। द्वादश भाव से बंधन देखते हैं, उसका स्वामी आ गया अष्टम में, जोड़ दीजिए बंधन और अष्टम से देखने वाले जब आते हैं मृत्यु, बंधन की मृत्यु यानी व्यक्ति जेल नहीं जाएगी, ये बात तो पता चल गई। यहां से परदेश गमन देखते हैं द्वादश भाव से, और उसका स्वामी आ गया अष्टम भाव में, क्या फलित उत्पन्न होगी? तो यहां पे परदेश गमन की मृत्यु ये योग दिख रहा है, लेकिन यहां से गिने द्वादश भाव को प्रथम मानकर गिने, तो द्वादश भाव को अगर प्रथम मानकर गिनोगे तो उसके सामने का भाव सातवां, ये आठ, और ये अष्टम भाव यानी नौ आता है, यानी द्वादश भाव के नवम भाव में वो है, बुध है, उसका स्वामी है इस कारण, और नवम भाव से दूर की यात्राएं देखी जाती है, और प्रदेश गमन का स्वामी गया दूर की यात्राओं के स्थान पर यहां से, इस कारण इस व्यक्ति को जीवन में प्रदेश गमन होगा, ये बात पता चलती है। जीवन में कई बार ये प्रदेश यात्रा करेगा, इस तरफ ये योग इंगित नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रथम भाव का अष्टम भाव है, तो ये प्रदेश गमन का मृत्यु कराएगा, लेकिन जीवन में एक या दो बार ज्यादा से ज्यादा ये प्रदेश गमन करेगा, ये बात पता चलती है। किस सिलसिले में? तो वहां पर बुध है, तो बुध व्यापार का कारक है, बुध वाणिज्य का कारक है, तो व्यापार या वाणिज्य के लिए ये व्यक्ति प्रदेश गमन करेगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जाना हमने भावेशत्व से द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम में चले गए क्या फल देंगे, अब दृष्टियोग से अष्टम भाव में बैठकर बुध द्वितीय भाव को देख रहे हैं क्या फल देंगे। द्वितीय भाव में पहले राशि देखें, द्वितीय भाव में आठ आंकड़ा है यानी मंगल की राशि है, मंगल के और बुध के समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण ये इस भाव के लिए मध्यम फलित देंगे द्वितीय भाव के लिए। अब ये तो जान लिया मध्यम फलित देंगे, क्या देंगे? यहां से धन देखा जाता है द्वितीय भाव से, बुध की दृष्टि है मध्यम फलित दे रहे हैं, इस कारण ये व्यक्ति दरिद्र भी नहीं होगी और कुबेर भी नहीं होगी, ये बात पता चल रही है, यानी बहुत अमीर भी नहीं होगी। अब गुप्त धन के स्थान पर बैठकर अष्टम स्थान से गुप्त धन देखा जाता है, उसके स्थान पर बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी इसे वसीयत से धन प्राप्त होगा या फिर कमीशन द्वारा या दलाली द्वारा इसे धन की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। और क्या क्या बातें पता चलती है? अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय को देख रहे, द्वितीय स्थान से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, मृत्यु स्थान में बैठकर कौटुंबिक सौख्य के स्थान को देख रहे, इस कारण ये कौटुंबिक सौख्य में कमी ला देंगे। और एक तर्क है, व्यय भाव के स्वामी अष्टम में बैठकर कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, तो कुटुंब सौख्य का व्यय हो गया या कुटुंब सौख्य की मृत्यु हो गई, यानी कुटुंब सौख्य में कमी आ गई, कुटुंब में कुछ ना कुछ तनाव रहेगा, ये बात पता चलती है। हालांकि भाग्य स्थान के स्वामी भी है, अष्टम स्थान में बैठकर कौटुंबिक सौख्य के स्थान को देख रहे हैं, तो कौटुंबिक सौख्य में या कुटुंब से भाग्य की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन ये मृत्यु स्थान है और मृत्यु स्थान में बैठकर देख रहे हैं, इसका इस भाव का फलित ज्यादा मिलेगा। यहां से वाणी देखी जाती है, वाणी के कारक ग्रह बुध स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति की वाणी प्रभावी रहेगी, ये बात पता चलती है। हालांकि मृत्यु स्थान से बुध वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी में कमी आनी चाहिए थी, तो ये व्यक्ति कम बोलेगा, ये एक बात है, लेकिन वाणी के कारक ग्रह वाणी के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण कारक ग्रह कारक स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस बात में वो कमी नहीं लाएंगे या न्यूनता नहीं लाएंगे, यानी वाणी के कोई रोग नहीं होंगे,
उल्टा ये प्रभावी वाणी बोलेगा, ये बात पता चलती है। हमने ये सारी बातें कारकत्व, भावस्थिति, भावेशत्व और दृष्टियोग से जानी है। अगले कार्यक्रम में हम इसी राह से नवम भाव और दशम भाव में अगर बुध बैठ जाए तुला लग्न के लिए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे इसे जानेंगे, समझेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।